डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर रुझान आने शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ कुणाल चौधरी मौजूद हैं। हालांकि रुझानों में भाजपा बढ़त बनाती हुई दिख रही है, काफ़ी बड़ी लीड ले रही है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कांग्रेस को अभी भी कोई उम्मीद दिख रही है? देखिए, अभी इस बार के राउंड ज़्यादा है और जितने राउंड हुए हैं 5 से 7 राउंड अभी हुए हैं, लगभग कई सीटों के ऊपर जिस प्रकार से नेक टू नेक फाइट है, 2020 का मैच है। आखिरी तक उम्मीद है कि जब कहीं किसी व्यक्ति का होल्ड होता है स्ट्रॉन्ग होल्ड, कहीं किसी व्यक्ति का होता है, तो लगभग जब पूरे नतीजे आएंगे तभी कुछ कहना संभव हो पाएगा, क्योंकि 2020 के मैच में आखिरी ओवर तक और आखिरी राउंड तक इस चुनाव के नतीजे आप देखने को आपको मिलेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद है कि जनता ने उस जनादेश को दिया होगा जिसको जनता ने पहले भी दिया था, आज जो विश्वास को जिन्होंने बेचा था उन्हें सबक सिखाने का काम जनता करेगी। लेकिन आप कह रहे हैं 2020 का मैच है, 2020 में तो जबरदस्त रोमांच देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ रोमांच जैसा कुछ दिख नहीं रहा। कांग्रेस कार्यालय में हम देख रहे हैं कि सन्नाटा पसरा पड़ा है, इसका दुखा लोग भी नेता यहाँ मौजूद है। नहीं, कई बात नहीं है, सब नेता यहाँ पे मौजूद है, माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और सभी नेता यहाँ पे मौजूद है। स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जनता के जनादेश के लिए जाते हैं, जनादेश जो होता है उसे हमेशा स्वीकार करा जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों में चुनाव लड़ना और जनता का जनादेश देना, जनता हमारी लड़ाई इस बात से क्योंकि आपने जनता के जनादेश को कैसे बेचा, हम उसी मुद्दे के साथ मध्य प्रदेश की जनता के बीच में गए थे और जनता जो जनादेश देती है वो हमेशा स्वीकार होता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। तो मतलब आपको लगता है कि आप जिन मुद्दों लेकर के गए थे, गद्दार और बिकाऊ का नारा लेकर के गए थे, जनता ने उसे नकार दिया? देखिए, उससे कहीं नहीं नकारा, जिस प्रकार से आप नतीजे देखेंगे सिर्फ कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला है, जो धनबल है, जो बाहुबल है, जो खरीदे हुए जनादेश के जो पैसे था उनका जो दुरुपयोग हुआ है, कहीं ना कहीं आपने कई जगहों पर देखा कि लगातार गोलियां चल रही थी और उसके बीच में भी लोग बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे, कई जगहों पर बूथ कैप्चरिंग से लेकर अधिकारियों को आपने देखा, तो ये बातें हो सकती है, बाकी कुछ नहीं। और लगभग अभी आप देखेंगे नतीजे आएंगे, जब तक साफ है ये रुझान है और नतीजे जब तक आएंगे तब तक कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अच्छी बेहतर स्थिति में रही। तो ये है कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी, जो कांग्रेस की जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त और अभी भी कह रहे हैं कि रुझानों के बाद जब अंतिम नतीजे मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के आएंगे तो उसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये उम्मीद जता रहे हैं खुद कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी। रवीश पाल सिंह, भोपाल। डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। Download the app now.